saiyo. तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा कि तुम पैसे वसूलने की कला को जानते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। उधार ना चुकाने वाले लोगों से पैसे उगाने का काम मुझे तुम जैसे लोगों की आवश्यकता है। मुझे ऐसे ही काम की तो तलाश थी जिसमें मेरे पहलवानी के जुनून से कोई समझौता ना हो। जी सरकार, करूंगा मैं। हरिओम, कल सुबह जलपान करके आ जाना वाड़े पे। शुक्रिया सरकार, चलती हूँ। सरकार, सरकार, जिसने हमारे लठोते की मरम्मत की उसे दंड देने के बजाय आप उसे काम दे रहे हो। मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे तुम लोग। ऐसे लठत किस काम के जो एक लड़के से पिट गए। उस दिन देखा ना खंडर में क्या हुआ। चार औरतों के सामने लाचार खड़े थे तुम्हारे ये लठैत, और उसे देखा कितना बलवान है वो। उसे मेरे पास काम पे रखना लाभदायी तो है ही, साथ ही साथ भविष्य का निवेश भी है। कल वो प्रसिद्ध पहलवान बन जाएगा तो नाम किसका होगा? कुलकर्णी सरकार का नाम होगा। लोग कहेंगे कुलकर्णी सरकार ने क्या प्रतिभा खोज निकाली थी। हरिओम। अच्छे से माप लेना, साईं का मुकुट तो खास होना ही चाहिए, साथ में आरामदायक भी। बिना कष्ट के साईं वो मुकुट पहने रह सके, इस बात का खास ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहिए, सबसे शानदार मुकुट बनाऊंगा। और हाँ, मुकुट में मीनाकारी काम भी होना चाहिए। मोती और कीमती रत्न भी टाके होंगे मुकुट में। ऐसा मुकुट बनना चाहिए कि लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। बारीक काम जितना अधिक होगा, समय भी उतना ही अधिक लगेगा मुकुट बनवाने में। याद रहे, दिलावर भाई और गांव वालों से पहले आपको मुकुट बनवा लेने की जरूरत है। जी साईं, मुझे याद है, लेकिन फिर मैं गुणवत्ता और सुंदरता में समझौता तो नहीं कर सकता ना। और आपका ही कहना है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और आपकी सीख पे चलकर कोई कैसे नाकाम हो सकते हैं साईं। माप ले लिया है, बताइए कब चाहिए। कल। कल? इतनी जल्दी संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, कारीगरों की संख्या बढ़ा दो, जहां दो लगेगा वहां मैं चार खर्च करने के लिए भी तैयार हूं। पैसों की कोई कमी नहीं है। अपना सारा काम एक दिन के लिए छोड़कर अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा साईं के मुकुट बनाने के लिए केंद्रित करो। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कोई नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। दोगुना पैसा देंगे ना? जरूर दूंगा, कम पड़े तो ले लेना। ठीक है। आपने देखा ना साईं, अगर हम चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब कल सुबह सबसे पहले आपका मुकुट तैयार होगा, यानी मैं प्रथम।
दिलावर महलसापति और गांव वालों के हाथों से मैं बाजी छीन लूंगा। साई के साथ सबसे पहले मैं जश्न मनाऊंगा। मूलचंद जी, सावधानी से काम कीजिएगा, अक्सर जल्दबाजी में गलतियां हो जाया करती हैं। कहिए मालसापति जी। हमें राम जी की मूर्ति चाहिए, जल्द से जल्द, कल तक मिल जाएगी। कल तक जी? कैसे? वैसे भी बहुत कम समय दे रहे हैं आप, इतनी जल्दी तो मूर्ति नहीं बन पाएगी। क्या करूं, एक बड़ा काम ले लिया मैंने, उसे प्राथमिकता देनी है मुझे। लेकिन ऐसा कैसा कह सकते हैं आप, हम बात करके गए थे आपसे। मैं कहां इनकार कर रहा हूं कि आपने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आपने हां भी तो नहीं कहा, ना कोई पेश की दी जिसे मैं आश्वस्त हो जाता। अब अगर कोई मुझे आकर बड़ा काम दे दे तो मैं उसे कैसे इनकार करता। चलिए, क्या 1000 दिए, वो भी कल तक? हो ही नहीं सकता, इस हफ्ते तो नहीं। इस हफ्ते मैंने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है, इस हफ्ते मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए, पूरी शिरडी में क्या एक मैं ही कुम्हार हूं, और भी लोग हैं, उनसे बात कीजिए, कोई ना कोई कर देगा आपका काम। जाओ और शिरडी के सभी कुम्हारों और मूर्तिकारों को अपने यहाँ काम पे रख लो, उनसे कोई भी काम करवाओ। तुम्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि गांव वालों को और दिलावर अली को उनके काम के लिए कोई कारीगर ना मिल पाए। साई, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं सरकार उनके साथ क्या करेंगे। चिंता मत कर बेटी। काकी, काकी सब ठीक है ना, वहाँ क्या हुआ? अरे हम तो बेकार में ही कुलकर्णी सरकार को गलत समझ रहे थे, उन्होंने ना केवल भैरू को माफ कर दिया बल्कि अपने यहाँ उसे काम पे भी रख दिया। बधाई हो भैरू। शुक्रिया। तुम खुश तो हो ना भैरू? बहुत खुश हूँ साई, मुझे ऐसा काम मिला है जो मेरे सपने को पूरा कर सकता है, और आई की चिंता भी चली गई। देखिए ना कितनी खुश है वो। साई, ये सब आपके मार्गदर्शन से संभव हुआ है। सच साई, आपके बारे में जो भी सुना था सब सच है। एक बात याद रखना भैरू, शिरडी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं यहाँ के लोग। वो किसी मजबूरी में ही कुलकर्णी सरकार से पैसे उधार लेते हैं और अपने आप दे भी देते हैं, किसी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ती है। पर कभी कभी किसी मजबूरी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से लोग पैसे समय पर नहीं दे पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेईमान है, उनकी नीयत में खोट है, वो ईमानदार नहीं है। इसलिए अगर कोई किसी मजबूरी, किसी तकलीफ की वजह से समय से पैसे ना दे पाए, समय से कर्ज ना चुका पाए, तो उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना। साई,
आप चिंता मत कीजिए, जैसा बर्ताव सरकार के लठैतों ने बल्लू काका के साथ किया था वैसा मैं कभी नहीं करूंगा। कर्जदारों को समय पर कर्जा चुकाने के लिए प्रेरित करूंगा, उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। काश कुलकर्णी सरकार के सभी आदमियों के पास तुम्हारे जैसी समझ होती तो शिरडी वासियों पर इतने अत्याचार नहीं होते। शुक्रिया साई। राम जी भला करे। शिरडी आने का मेरा फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। मेरे बेटे को काम मिल गया, अब बस इसके लिए कोई गुणवान लड़की मिल जाती तो। मुझे पहले क्यों नहीं सोची? चंपा गुणी है, संस्कारी है और सबसे महत्वपूर्ण साई का आशीर्वाद है इसके सिर पे। अभिनय और गायन की प्रतिभा के कारण आसपास के गांव वाले भी पहचानते हैं, सब मेरी बहू को जानेंगे। चंपा मेरे बेटे और परिवार के लिए बिल्कुल योग्य लड़की है। मैं कल ही उसके घर वालों से मिलकर आती हूँ। मुझसे नहीं होगा। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान ना हो तो क्या करे दिलावर भाई, शिरडी के सभी मूर्तिकार व्यस्त हैं, किसी के पास भी मूर्ति बनाने की फुर्सत नहीं है, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि शिरडी के सारे कुम्हार और मूर्तिकार एक ही दिन कैसे व्यस्त हो सकते हैं। मुझे लगता है हम सभी को साई के पास जाना चाहिए, अब वो ही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आइए चलते हैं। चलिए। सब उसकी लीला है, वो आपको कोई संकेत दे रहा है। साई, हमें भी तो पता चले कि उसकी रजा क्या है। आइए मेरे साथ। वहां पेड़ पर क्या देख पा रहे हैं आप? वहां तो पक्षियों का घोंसला है और वो भी खाली। और वहां ऊपर एक चिड़िया अपना नया घोंसला बना रही है।
लेकिन हमारी समस्या का उससे क्या संबंध? इस पेड़ पर पहले से एक घोंसला मौजूद है, लेकिन चिड़िया ने पुराने पड़े घोंसले में पहले से बने घोंसले में अंडा देने के बजाय अपने लिए नया घोंसला बनाने का निर्णय लिया है। बहुत मेहनत लगेगी, तिनका तिनका बीन कर लाना होगा, उससे घोंसला बनाना होगा, पर चिड़िया अपने काम में जुट गई है। कई बार मालिक हमसे यही चाहता है कि हम थोड़ा परिश्रम और करें। क्या हुआ अगर लोग आपका काम करने के लिए तैयार नहीं है तो? आप लोग अपने लिए दिए और मूर्ति खुद बनाइए। सीख लीजिए इस चिड़िया से। हाँ साईं, आपने सही कहा, चिड़िया वही कर रही है जो वो जानती है। हम किसी तरह दिए तो बना लेंगे, लेकिन ये लोग मूर्ति कैसे बनाएंगे साईं? उसके लिए हुनर चाहिए और खास किस्म के औजारों की जरूरत भी पड़ेगी। जहां चाह वहां राह, आप लोग प्रयास तो कीजिए। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे जान पाएंगे कि आप लोग क्या क्या करने में सक्षम हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं। इस बार रामनवमी और उर्स और भी खास होंगे, क्योंकि तो इसमें हम सब मिलकर श्रमदान करेंगे और दिए और मूर्ति बनाएंगे। राम जी भला करें। अल्लाह मालिक। जी, मुकुट लगभग तैयार हो गया है, अब सिर्फ खांचों में कीमती रत्न जड़ने बाकी हैं। वो आज रात हो जाएगा, फिर कल सुबह तक मुकुट पूरी तरह से तैयार। गांव वाले मिट्टी ही सानते रह जाएंगे, और यहां मैंने साईं के लिए मुकुट तैयार भी करवा लिया। बस अब तो कल सुबह की प्रतीक्षा है। जब गांव वाले मेरे मुकुट को देखेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि वाकई उनकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। आप सब लोग यहीं रुककर पूरी रात काम करते रहे, थक गए होंगे, इसलिए हम लोग आपके लिए नाश्ता लेकर आए। सब हाथ मुंह धो लीजिए और कुछ खा लीजिए। हाँ, फिर चाहे तो काम कर लीजिएगा, और चाहे तो आप लोग घर जाकर थोड़ी नींद ले लीजिए, उसके बाद दोबारा से काम शुरू कर लीजिएगा।
रिहाना बिल्कुल सही कह रही है। आप लोग जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं काम जारी रखता हूँ। मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही है। नहीं नहीं, थकावट तो मुझे भी महसूस नहीं हो रही है, मैं भी अपना काम जारी रखूंगा। लेकिन लेकिन कब तक? और ऐसे तो आप सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। सिर्फ साईं के साथ सबसे पहले जश्न मनाने के लिए आप सब लोग। रेहाना, हम लोग यहाँ आपस में कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि साईं से किए अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने तय कर लिया है कि जब तक मैं ये दिए पूरे नहीं बना लेता, तब तक मैं नहीं सोऊंगा। हम सब आपकी मदद के लिए यही रहेंगे। अब्दुल, आप लोग क्यों तकलीफ उठा रहे हो? साईं से वादा मैंने किया है तो निभाऊंगा मैं ही। इलावर कभी अपने वादे से मुकरता नहीं है। बात मुकरने ना मुकरने की नहीं है दिलावर भाई, बात है वक्त की। कल रामनवमी है, सिर्फ एक दिन बचा है। देखिए, दिए तो किसी ना किसी तरह बन ही जाएंगे, चाहे थोड़े बने या ज्यादा, लेकिन समस्या रामलला की मूर्ति बनाने की है, जो सिर्फ एक मूर्तिकार ही बना सकता है। हम सबके बस की बात नहीं है, हमें जल्द से जल्द एक मूर्तिकार ढूंढना ही होगा। जब मूर्तिकार को ढूंढते ढूंढते हम थक गए थे रानो जी, तब मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। कोई राजी नहीं हो रहा था क्योंकि किसी के पास भी फुर्सत नहीं थी। मालसापति जी, दिलावर भाईजान। क्या हुआ भीवा? मूलचंद जी द्वारका माई पहुंचने ही वाले, साई का मुकुट लेकर। मुकुट बन भी गया इतना जल्दी? हम सबकी मेहनत बेकार गई। ये आप कैसी बात कर रही हैं? भले ही मुकुट बन गया हो, लेकिन हमें रामनवमी के लिए किसी भी हालत में मूर्ति तो चाहिए ही होगी। चलो देख के तो आते हैं साईं के लिए कैसा मुकुट बनाया। हाँ चलिए। देखो जरा गांव वालों के चेहरे कैसे लटके हुए। इन्हें और मिर्च लगे, इसलिए मैंने दीवा को ये खबर दे दी कि साई का मुकुट बन गया है और आप द्वारका माई आ रहे हो। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया, सब पहुंच गए अपनी हार देखने। इन्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि आपसे प्रतिस्पर्धा करने पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ हार ही नसीब होती है। अच्छा किया तुमने। वैसे भी जीत का मजा तभी है जब वो हारने वालों के चेहरे पे दिखे। चलो प्रणाम साहब। गांव वालों ने जो प्रतिस्पर्धा रखी थी उसमें मैं प्रथम रहा साहब। ये देखिए, मेरे कारीगर ने मुकुट तैयार कर लिया। चलिए साहब अंदर चल के मुकुट का अनावरण करते हैं। मुकुट के अनावरण से अधिक अपने पैसों का प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। Thank you.
अब आप सबकी सेवा में प्रस्तुत है मेरे साईं का मुकुट। आपने सही कहा था, जहां चाह वहां राह। मैं सच्चे दिल से चाहता था कि सबसे पहले मैं आपके साथ त्योहार का जश्न मनाऊं। अब वही होगा। मुझे बहुत अफसोस है आप सबके लिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, सारी रात काम किया था, लेकिन प्रतियोगिता प्रतियोगिता ही होती है, उसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। और वैसे भी ये मुकुट तो हमारे साईं का ही है, और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। ये मुकुट कितना सुंदर बना है, इससे साईं की शोभा बढ़ेगी। हमारे साईं दुनिया के सबसे अनमोल रत्न है। साईं के सामने सारे रत्न फीके हैं, और साईं की शोभा कोई मुकुट पुकुट से नहीं, बल्कि इस मुकुट की शोभा हमारे साईं के सर पर सचकर बढ़ जाएगी। क्या हमें यह सुनिश्चित नहीं कर लेना चाहिए कि मूलचंद जी ने प्रतियोगिता की शर्त को पूरा किया भी है या नहीं? क्या अभी कोई शक की गुंजाइश रह गई है? मूलचंद जी, आपको याद होगा कि आपने कहा था मुकुट सुंदर होने के साथ साथ आरामदायक भी होना चाहिए पहनने के लिए। तो जब आपने दूना मूल्य खर्च किया है, दूना मेहनताना दिया है, तो पहले ये सुनिश्चित तो कर लीजिए, ये देख तो लीजिए कि मुकुट मेरे सिर पर ठीक से बैठता भी है या नहीं। हाँ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, अभी जांच लेते हैं। ये मुकुट छोटा कैसे पड़ गया? ये कैसे मुमकिन है? मुकुट छोटा क्यों है? ठीक से माप नहीं लिया था। साहब, आपके सामने माप लिया था, एक एक सूत माप के बनाया है मैंने। तो फिर साईं के सिर पे क्यों नहीं आ रहा? यही है तुम्हारी कारीगरी, इसी का इतना मेहनत मांग रहे थे? मैं खुद चकित हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी गहने बनाते समय कभी कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनकर आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने तो मुझे ही डुबा दिया। जाओ और अपने साथ इस बेकार मुकुट को भी ले जाओ, एक पैसा नहीं देने वाला मैं। साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं इसमें बहुत सारा सोना चांदी रत्न लगा चुका हूँ। अगर आपने मना कर दिया तो ये मेरे लिए बेकार हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बस आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं साई का दोबारा माप लूंगा और इसमें सुधार करूंगा। नहीं, एक बार जिससे मैंने धोखा खाया उस पर मैं दूसरी बार विश्वास नहीं कर सकता।
मालिक, इसे और एक मौका देने में कोई नुकसान नहीं है। अभी तक आप हारे नहीं हो, क्योंकि गांव वालों ने ना अभी तक दिए बनाना शुरू किए हैं ना मूर्ति। कम से कम आपके पास मुकुट तो तैयार है, उसमें सिर्फ सुधारी करना रहेगा ना। अगर इस समय आप किसी दूसरे सुनार के पास गए तो उसे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसमें काफी समय भी जाएगा और हो सकता है आप जीत ना पाए। ठीक है, एक आखिरी मौका दे रहा हूं, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए वरना तुम्हारे पैसे गए। जी आप निश्चिंत रहिए। तो सही है, मैंने इसी माप से तो मुकुट तैयार किया था, फिर चूक कहाँ हुई? मन में साई के क्या है कौन जान पाए।